बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने लाइन के बारे में सीखा था, क्या हम लाइन की किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आपको लाइन वर्क करने का क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 100 टाइम लाइंस की प्रैक्टिस की थी, आज की वीडियो में हम शेप की प्रैक्टिस करेंगे 100 टाइम। जो हमारे बेसिक शेप होते हैं उनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से हम इसकी 100 टाइम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम ट्रायंगल की प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम हमें 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से हमारे हाथ की मूवमेंट अच्छी होगी। अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर की प्रैक्टिस। स्क्वायर की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो भी आप देखिए। लाइन के थ्रू पहले ऊपर लाइन, फिर दाएँ बाएँ इस तरह से बनानी है पूरी लाइन लेके। इस तरह से नहीं बनाना है। इसके बाद हम बनाएंगे रेक्टेंगल शेप। आप देखेंगे कि ये शेप हमारे स्केचिंग में किस तरह से यूज़ होते हैं और हम किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। आप अपनी चारों तरफ गौर करेंगे चीज़ों पर, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शेप नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि डोर का शेप कैसा होता है। डोर का शेप रेक्टेंगल में होता है। ओवल शेप की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, आपको भी इसी तरह से 100 टाइम हर शेप की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ शेप के ज़रिए ड्राइंग करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्कल के ज़रिए मैंने स्माइली फेस बनाया है। इसमें एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर शेप यूज़ किया गया है। बीच में ट्रायंगल शेप आ रहा है और छोटे छोटे स्क्वायर्स आ रहे हैं। अब मैं लाइन के थ्रू आपको एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ। आप भी इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे रिलेटिव ड्राइंग भी बनाइएगा। जो स्टूडेंट ड्राइंग का शौक़ रखते हैं और सीख नहीं पा रहे हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और मेरे फ्री ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो जाइए। फाइन आर्ट्स बेसिक कोर्स फ्री ऑनलाइन कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाएगा, जिसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ड्राइंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और इस बेसिक कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए। आपकी ड्राइंग में इंशाल्लाह ताला बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब हम स्क्वायर के ज़रिए एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए आप किस तरह से मैं बना रही हूँ, आप इसी तरह से बिल्कुल बनाइएगा। इस बॉक्स की प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है, आइंदा आने वाली ड्राइंग्स में बहुत काम आने वाला है। बेसिक लाइंस और शेप के ज़रिए बहुत सी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि और भी इस तरह की चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब मैं ओवल शेप के थ्रू ये एक पिक्चर बना रही हूँ। जितनी भी मैंने ड्राइंग की है आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम सर्कल और ओवल शेप के ज़रिए फ्लावर बना रहे हैं। गौर से देखिएगा, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। शेप के ज़रिए कम से कम आप 10 ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग कंप्यूटर शीट यूज़ कीजिए। बार बार प्रैक्टिस का कहने का मकसद मेरा ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, लेकिन आप उसको करके भी देखें। करके देखने वाली बात अलग होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। आपको अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लाइन के ज़रिए, इन बेसिक शेप के ज़रिए ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं आसानी के साथ। जो भी आप ड्राइंग करेंगे इन्हीं शेप के थ्रू ड्राइंग की जाएगी। देखिए मिसाल के तौर पर सामने मुझे दरवाज़ा नज़र आ रहा है, खिड़की नज़र आ रही है, टेबल नज़र आ रही है, सब इन्हीं शेप के थ्रू बनाई जाएंगी। और आपने क्या करना है कि इन्हीं शेप के ज़रिए ड्राइंग करनी है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे नज़र रखनी है और ड्राइंग बनानी है। सेकंड क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।